माता सुंदरी जी लाहौर दे राम सरन दी कुड़ी अते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी धर्म पत्नी सी। उन्हां दे घर पौंटा साहिब विखे 26 जनवरी 1687 साहिबजादा अजीत सिंह दा जन्म होया। सिख धर्म विच उन्हां दी खास थां सी। माता सुंदरी जी दे पिता जी दा नाम भाई राम सरन सी, जो कि होशियारपुर जिले दे बिजवाड़ा नाल संबंध रखते सन। माता सुंदरी जी का विआह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल 4 अप्रैल 1684 नूं होया सी। 26 जनवरी 1687 श्री पौंटा साहिब विखे माता जी की कुखों साहिबजादा अजीत सिंह जी का जन्म होया, जो कि सारे साहिबजादियां विचों वड्डे सन। आनंदपुर साहिब के विछोड़े मगरों 6 दिसंबर 1705 भाई मनी सिंह जी माता सुंदरी जी की हिफाजत करते हुए दिल्ली लै गए। सन 1606 माता सुंदरी जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल तख्त श्री दमदमा साहिब विखे मिले, जिथे उन्होंने साहिबजादियां अते माता गुजरी जी की शहादत बारे पता लगा। माता जी फिर दिल्ली आ गए जदों गुरु गोबिंद सिंह जी दखन वल रवाना हो गए। माता सुंदरी ते माता साहिब कौर दिल्ली वापस आ गए ते पक्के तौर ते ही रहने का फैसला कर लिया, जिस करके सिख संगतां दा इकट्ठ भी होना शुरू हो गया अते देश भर दे गुरु दे सिद्धकी सिख माता जी दे दर्शनां नूं आउणा शुरू हो गया। तमाम सिख संगतां ने मिल करके दिल्ली दरवाजे दे बाहर जमीन खरीद के माता जी दे रहण लई एक वड्डी हवेली बनवाई। ए ओही हवेली है जिथे अजकल गुरुद्वारा माता सुंदरी जी है। इत्थे लगभग माता सुंदरी जी 39 वरे तक रहे अते सिख धर्म की प्रफुल्लता लई राज के धर्म प्रचार दियां लहरां चलाई। दखन विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे ज्योति जोत समाउन मगरों उन्होंने सिखां दी अगवाई कीती। उन्होंने भाई मनी सिंह जी नूं अमृतसर दे पवित्र अस्थानां दी देखभाल करन नूं कहा अते श्री गोबिंद सिंह जी दी हथ लिखतां कठियां करन नूं कहा। उन्होंने अपनी अगवाई विच हुक्मनामे जारी कीते। भाई मनी सिंह जी जो दरबार साहिब श्री अमृतसर दे हेड ग्रंथी सी ते तमाम सिरमौर सिख हस्तियां आप दे हुक्मां दी तामील कर दे। भावें माता सुंदरी जी दा जीवन दुखां नाल वलुंद रिहा पिया सी, पर फिर भी आप हमेशा हसदे चेहरे नाल दुखां दा सामना करदे रहे। माता सुंदरी जी जितना समा भी दिल्ली रहे हर रोज नेम नाल कीर्तन दी सेवा च जुटे रहे। रोजाना दे कारोबारा नाल वधेरे ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਜ ਤਾਨਪੁਰੇ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਵੇ ਪਰੋਸਦੇ। ਆਪ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ माता जी ने इन्हों शस्त्र विद्या सीखन नवाब कपूर सिंह पास भेज दिता। यह माता सुंदरी जी की दूरदृष्टि सूझबूझ का प्रगटावा सी, जिस कारण जस्सा सिंह सुल्तान उल कौम नवाब जस्सा सिंह आलूवालिया अखवाए। अपनी सूरबीरता के दूर अंदेशी लाहौर के पठाना करारी हार दी। गुरु नानक नाम के सिक्के चलाए अते दिल्ली उत्ते जीतां भी प्राप्त कीतियां। अपने आखिरी साहां 80 साल की उम्र तक माता सुंदरी जी नेता प्रति कीर्तन करते रहे। आप जी गुरु साहिबां वेले दे परपक ते तंतर रबाबी कीर्तनियां दी तरह ही हर तरह की गायकी च मुहारत रखते सन। आखिर 1747 उन्हां नूं अकाल पुरख का सद्दा आ गया। गुरु साहिब दियां पंज निशानियां पंज सस्तर उन्होंने
अपने वारसा खालसा पंथ नूं सौंप के अकाल पुरख की गोद च जा सका। माता सुंदरी जी ने जिन्नी उम्र अकाल पुरख ने उन्होंने बख्शी सी, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब तो बाद सिखां ते गुरु ग्रंथ साहिब विचकार सीढ़ी का काम किया। उन्हां दी याद विच अज भी दो गुरुद्वारे रहने वाली थां ते माता सुंदरी ते माता साहिब कौर के संस्कार वाली थां ते जमुना के कंडे ते बाला साहिब गुरुद्वारे, जिथे अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण जी का संस्कार भी होया सी, गुरुद्वारा है जो बाला प्रीतम के नाम नाल माता सुंदरी ते माता साहिब कौर नूं याद करवाउंदा है। असी गल जरूर दसना चाहवांगे कि यह सारी जानकारी ते फोटो जनतक खेतर विच उपलब्ध है, जिसनू असी लड़ीबद्ध करके तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। जेकर तुहानू साडी यह कोशिश चंगी लगे ते सपोर्ट शेयर ते सबसक्राइब जरूर करना चाहिए।